हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। ज्यूरिसप्रूडेंस की ये सीरीज में हम आज एक चैप्टर लेके आए हैं जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सारे एस्पेक्ट, सारे थेरी एस्पेक्ट। ये होगा पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, एंड पार्ट टू में आपको मिल जाएगा प्रेगनेंसी एक्ट के सारे एमसीक्यूज। सो हम पहले पार्ट वन देखेंगे एंड देन जाके आपको पार्ट टू देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आपको अपडेट करने के लिए कि व्हाई दिस एक्ट बिकम इम्पोर्टेंट, मैंने एक लेटेस्ट अपडेट ज्वाइन किया है। अप्रैल 23 ऑफ 2024 का ये अपडेट है और ये न्यूज़पेपर का कटआउट है जिसमें कहा है एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट अलाउज अबॉर्शन ऑफ 30 वीक फीटस। व्हाट इज द लॉ ऑन अबॉर्शन एंड व्हाट डज कोर्ट्स कंसीडर। सो ये इससे आपको पता चलना चाहिए कि लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाव किया है 30 वीक फीटस का अबॉर्शन, सो आखिर में हमारा लॉ क्या कहता है। लेट्स देन स्टार्ट दिस एंड कंसिडर करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे इस प्रोविजन में दी गई है। पहले जो फर्स्ट वेरी फर्स्ट ये जो एक्ट है एमटीपी एक्ट, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसका जो फर्स्ट प्रोविजन था, वेरी फर्स्ट टाइम इस एक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज जो हुई थी, ये तब एक्ट आया नहीं था। जब फर्स्ट प्रोविजन था मेडिकल टर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वो फर्स्ट प्रोविजन आया था 1860 में। 1860 में क्यों आया था? क्योंकि उस टाइम पे 1860 के जमाने में क्या होता था कि बहुत सारे जो फैमिलीज है उनमें सन मेटा प्रेफरेंस का एक बोलते हैं ना, एक एक सोच थी। सन मेटा प्रेफरेंस यानी कि बच्चा जो होना चाहिए वो लड़का होना चाहिए, लड़की उस जमाने में, इसलिए मोस्टली जो है वो फीमेल फिटिसाइड होते थे उस टाइम पे, बिकॉज सन मेटा प्रेफरेंस का ये उनका थॉट था कि लड़का होना चाहिए क्योंकि लड़का ही आगे का इनहेरिटेंस बढ़ाते रहता है। काइंड ऑफ दिस थॉट होने की वजह से जो पहला प्रोविजन आया था, पहला प्रोविजन कुछ चीज जो इस अबॉर्शन या टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रिवेंट करने के लिए हुआ था, वो 1860 में हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक्ट बना हमारा, ये एक्ट आया हमारा 1971 में। सो ये जो एक्ट जो हम करंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1971 में बनाया गया। उसके जो रूल्स थे वो आए 1975 में, एंड इसका जो रेगुलेशंस है वो आए 2003 में। एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट, द वेरी लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं इस एक्ट में, और मेजर चेंजेस आपको याद रखने चाहिए जो हम इस थ्योरी में पढ़ ही लेंगे। सो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो 2021 का अमेंडमेंट है। गॉट इट? सो पहला जो प्रोविजन जो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन या कुछ ना कुछ चीजें हुई थी उस टाइम पे लीगली, वो 1860 में हुई थी। देन ये हमारा जो एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया, इसके रिलेटेड जो रूल्स है वो 1975 में आए, रेगुलेशन जो है 2003 में आया, और लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारा है 2021 का एक्ट। ठीक है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस, लेटेस्ट चेंजेस जो कि किए गए, और बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं 2021 के एक्ट ने। सो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, क्या था ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने बताया कि पहले के जमाने में ये हुआ करता था, लेकिन अभी के जमाने भी क्या हो रहा है कि चीजें इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेस भी किए गए। बट बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन हो प्रेगनेंसी का बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ताकि मदर एज वेल एज चाइल्ड दोनों की हेल्थ को, मदर की हेल्थ को कोई भी हार्म ना हो सके, एंड जो चाइल्ड अनबॉर्न चाइल्ड है वो उसको भी कोई इनजस्टिस उसके तरफ ना हो सके। इसलिए मेडिकल टर्मिनेशन होनी चाहिए प्रेगनेंसी की बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पर्टिकुलर एक्ट का। देन हम देखेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशन एज सच इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपको एमसीक्यूज में भी मिल जाएंगे, कई बार पूछा जा सकता है। सो गार्डियन का मतलब क्या होता है? मीन्स अ पर्सन पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर और लुनैटिक, लुनैटिक इन द सेंस पागल इंसान। ठीक है, माइनर और लुनैटिक, लुनैटिक को हम बोल सकते हैं मेंटली इल पर्सन। ठीक है, सो गार्डियन मतलब जो पर्सन जो केयर करता है माइनर की, माइनर इन द सेंस जो कि 18 ईयर्स, जो लीगल एज है 18 ईयर्स से कम की उम्र का है, उसको माइनर कहा जाता है क्योंकि वो मेजर के डेफिनेशन में नहीं आता, और लुनाटिक इन द सेंस हु इज मेंटली इल। ठीक है, ऐसे पर्सन जो उनकी केयर करता है माइनर की और मेंटली इल पर्सन की, उसको गार्डियन कहते हैं। गॉट इट?
नेक्स्ट इज लुनाटिक। लुनाटिक का क्या मतलब होता है? लुनाटिक मीन्स एज सच हमको पता है मेंटली इल पर्सन, बट इट्स मीनिंग हैज बीन असाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन लुनेसी एक्ट। ठीक है, तो ये लुनेटिक्स को डिफाइन किया जाता है एज पर इंडियन लुनेसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत, उसको डिफाइन किया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुनेटिक। देन अप्रूव्ड प्लेस क्या होता है? अप्रूव्ड प्लेस मीन्स अ प्लेस प्लेस अप्रूव्ड अंडर रूल 4 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। एज पर दिस एक्ट जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल के तहत जो प्लेसेस अप्रूव की गई है अंडर रूल 4, उसको अप्रूव प्लेसेस कहा जाता है। गॉट इट? व्हाट इज अबॉर्शन? अबॉर्शन मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर, ये वर्ड याद रखो, बिफोर, ये स्टेटमेंट याद रखो, बिफोर फीटस बिकम वायबल। मतलब जब फीटस वायबल नहीं है, यानी कि उसमें अब तक जान नहीं है, तब जो मेडिकल टर्मिनेशन कहा जाता है उसको अबॉर्शन कहा जाता है। एज सच ये जो अबॉर्शन का वर्ड है ये मेंशन नहीं है, ये जो हमारा एमटीपी एक्ट है, एमटीपी का जो एक्ट है हमारा, ये अबॉर्शन वर्ड को डिफाइन नहीं करता। सो कभी कभार पूछा जा सकता है, बहुत रेयरली, बहुत रेयर कंडीशन है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डिफाइन करता है कि नहीं अबॉर्शन ये वर्ड को। सो इट डज नॉट डिफाइन द वर्ड अबॉर्शन। ये वर्ड अबॉर्शन जो है ये हमने खुद ने देखा है, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट इज हम देखेंगे वाई अबॉर्शन इज नीडेड। क्या जरूरत पड़ती है अबॉर्शन करने की, जरूरत क्या पड़ी है? इसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। पहला आता है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट मतलब कि जैसे कि रेप क्राइम होने की वजह से, या तो फिर लुनेटिक वुमेन के साथ कुछ इनजस्टिस होने की वजह से, फिजिकल इनजस्टिस हो गया लुनेटिक वुमेन के साथ, या रेप क्राइम, इन सब चीजों की वजह से जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो एक महिला को सहन करनी पड़ती है। सो उस ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्ट बनाया है अबॉर्शन का। तो अबॉर्शन उस केस में चाहिए रहता है। नेक्स्ट हेल्थ एस्पेक्ट में, हेल्थ एस्पेक्ट में क्या, या तो फिर वुमेन, वो पर्टिकुलर वुमेन या चाइल्ड, वुमेन और चाइल्ड या दोनों को, दोनों में से एक को हेल्थ एस्पेक्ट से रिलेटेड, मतलब उनके हेल्थ को खतरा है, इस चीज के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक हेल्थ एस्पेक्ट पे थ्रू हमको अबॉर्शन नीडेड होता है। देन आता है यूजेनिक एस्पेक्ट। यूजेनिक एस्पेक्ट मतलब कि हमको पता है या डॉक्टर ने देखा है आफ्टर सम टाइम जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो डिफॉर्मिटीज के साथ बॉर्न हो जाए। अगर चाइल्ड डिफॉर्मिटीज के साथ बॉर्न होने वाला है तो उस एस्पेक्ट में जो डॉक्टर्स होंगे वो रेकमेंड करते हैं अबॉर्शन। सो इस तीन केसेस में अबॉर्शन इज नीडेड। फर्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, नेक्स्ट इज हेल्थ एस्पेक्ट एंड थर्ड इज यूजेनिक एस्पेक्ट। सो ये तीनों चीजों को हमको ध्यान में रखना है। गॉट इट? नेक्स्ट आता है प्रोविजंस। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम जो है इस एक्ट में जो अमेंडमेंट, एमटीपी अमेंडमेंट हुआ है 2021 का, ये जो है वो बिल है। सी पहले मैं आपको बता दूं, बिल और एक्ट में फर्क होता है। जब बिल है ना पास हो जाता है ना राज्यसभा से लोकसभा से, यानी कि पार्लियामेंट बिल को पास कर देती है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट, एसेंट मतलब प्रेसिडेंट अपना साइन दे देता है, तब जाके वो एक्ट बनता है। और एक्ट को चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिल को चेंजेस करने के लिए नॉर्मली बिल में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो था, ये जो एमटीपी बिल देख रहे हो, ये फाइनली एक्ट बन चुका है 2021 में। ठीक है, ये बुक जब प्रिंट हुई होगी तब वो बिल होगा, इसलिए इस पे बिल लिखा हुआ है। लेकिन मैं अभी आपको एक्ट आगे, ये यहाँ पे हम एक्ट पढ़ने वाले। ठीक है, और ये सोर्सेस है हमारी जीपैट एट योर फिंगर टिप्स वाली जो बुक है, वहां से मैंने ये इमेज को अटैच किया है। सो टाइम सिंस कंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग से कंसेप्शन का जो टाइम होता है, कितने टाइम, कितने वीक का प्रेगनेंसी है, उस हिसाब से डिफर करता है क्या क्या प्रोविजन है। पहले हम देखेंगे एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू, एंड देन उसी को कंपेयर करेंगे 2021 के एक्ट से। सो रिक्वायरमेंट फॉर टर्मिनेटिंग अ प्रेगनेंसी एंड कंसेप्शन का टाइम, अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो एक डॉक्टर का एडवाइस चाहिए रहता है टर्मिनेशन के लिए, ये दिया गया है 1971 के एक्ट में।
12 से 20 वीक की प्रेगनेंसी है, 12 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो दो डॉक्टर की एडवाइस चाहिए रहेगी ड्यूरिंग टर्मिनेशन कि टर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं। एंड 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउड नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। मोर देन 24 वीक्स से अगेन यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। एंड एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन डॉक्टर इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेगनेंसी का कोई भी टाइम में ऐसा देखा गया है कि वो अबॉर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है उस वुमेन की जान बचाने के लिए, तब एक डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल हो तो देन इट इज ओके। देन अभी जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो क्या कहता है, अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है अप टू 12 वीक्स तो एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर ओके चल जाएगा, वन डॉक्टर की एडवाइस लेके आए आपका अबॉर्शन हो जाएगा। अगर 12 टू 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर अगेन, इसमें देखो डिफरेंस आ गया। पहले एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 में दो डॉक्टर की एडवाइस चाहिए थी, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड अभी के लेटेस्ट अमेंडमेंट में सिर्फ एक डॉक्टर के परमिशन से यू कैन गो फॉर अबॉर्शन। अगर 20 to 24 वीक्स है तो यहाँ पे अलाउ नहीं था, लेकिन अभी अमेंडमेंट करने की वजह से दो डॉक्टर की परमिशन चाहिए रहेगी फॉर सम कैटेगरीज। वो सम कैटेगरीज हम अभी देखेंगे कौन सी कैटेगरीज है ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सो टू डॉक्टर्स आर नीडेड अगर 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है। मोर देन 24 वीक्स है तो मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया जाएगा, वो जो मेडिकल बोर्ड होगा इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज, कि फीटस को अबनॉर्मलिटी होने वाली, अगर ये फीटस आ भी जाता है इस वर्ल्ड, अगर ये चाइल्ड इस वर्ल्ड में आ भी जाता है तो उसको अबनॉर्मलिटीज फेस करनी पड़ेगी, तो इन दैट केस मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि वो मोर देन 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए परमिट करेगा या नहीं। और स्टार्टिंग के इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है 30 वीक्स के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने पे, एंड ऐसा क्या प्रोविजन था, तो इसी प्रोविजन के तहत वो अलाउ किया गया था, ठीक है। एंड ये जो था एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के अंदर हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एज पर दिस अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि कर सकते हैं या नहीं, एंड एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो सेम है। सी अभी मैं बताती हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला जाएगा कि आपको एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू बताना है या 2021 के थ्रू बताना है, ठीक है। अगर तो 2021 के थ्रू बताना है तो आपको ये प्रोविजंस याद रखने पड़ेंगे, बहुत मतलब हल्का सा चेंजेस है, ये चीजें याद रखो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब क्वेश्चन के इसमें ही बता दिया जाएगा एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के अकॉर्डिंग द प्रेगनेंसी ऑफ मोर देन 24 वीक्स इज अलाउड और नॉट। सो आपको देखना है वहां पे क्या पूछा है, 1971 पूछा है तो नॉट अलाउड, अगर 2021 पूछा है तो मेडिकल बोर्ड के एज पर प्रोविजन से अलाउ किया जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए दोनों भी दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है सिर्फ ये ईयर, ईयर याद रहेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट हम यही एक्ट को वापस से देख लेते हैं, ये मैंने इंटरनेट सोर्स से उठाया गया है। सो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब एक्ट बन गया, अब तक तो ये वाला जो प्रोविजन देख रहे थे बिल का था, अब ये एक्ट बन चुका था 2021 में, ये एक्ट अमेंड होके प्रॉपरली प्रेसिडेंट ने असेंट करके इसको एक्ट बना दिया गया है। सो अभी जो लॉ है, द लॉ अलाउ फॉर द टर्मिनेशन अंडर द ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर फॉर 20 वीक्स, 20 वीक्स के तक तो हमने वन डॉक्टर का देखा था, दैट इज करेक्ट। फॉर प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स हमको कितना चाहिए था, दो डॉक्टर का परमिशन। द गवर्नमेंट हैज इशूड द न्यू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल अमेंडमेंट रूल्स 2021 विच डिफाइंस द सिचुएशन दैट डिफाइंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। मैंने क्या कहा था कि सर्टन कैटेगरीज के अंदर वो होता है, सो द अमेंडमेंट एक्ट स्पेसिफाइज 7 कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज ऐसे डिफाइन की गई है, उसके अंडर जो है मेडिकल टर्मिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने बताया था टू डॉक्टर्स फॉर सम कैटेगरीज, तो टोटल कितनी कैटेगरीज है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज। भले ही कौन सी ये वो कैटेगरीज है वो ना पूछे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कितने कैटेगरीज के अंडर, तो देर आर टोटल 7 कैटेगरीज, याद रखो। सो द अमेंडमेंट एक्ट स्पेसिफाइज दी 7 कैटेगरीज, एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल के तौर पे है, सर्वाइवर ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट या रेप कंडीशन वाले वुमेन्स जो होती है, इंसेस्ट या माइनर्स एक्सेट्रा ऑफ वुमेन Who would be eligible for seeking termination of pregnancy for the period up to 24 weeks. Then after 24 weeks, a medical board must be set up in approved facilities which may allow or deny the termination of pregnancy only if there is substantial fetal abnormalities. अगर तो substantial fetal abnormalities है तो allow किया जा सकता है, but वो भी depend करता है medical board पे, जो medical board constitute किया जाएगा।
एट दी एंड उसी के डिसीजन पे मैटर करता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ की जाएगी या नहीं की जाएगी. सो दिस इज अवर लेटेस्ट अमेंडमेंट. याद रखो, इजी है, याद रह जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट है प्लेसेस. कौन से प्लेसेस पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है या की जा सकती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या जो प्लेसेस गवर्नमेंट मेंटेन करता है, या जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेंटेन करता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये फर्स्ट प्लेस हो गई. यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है. या तो फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है विसिनिटी पे, तो अप्रूव प्लेसेस, गवर्नमेंट अप्रूव करेगा प्लेसेस को, उसी प्लेसेस पे जाके टर्मिनेशन हो सकते हैं. उसके उस प्लेसेस के अलावा कहीं और टर्मिनेशन नहीं हो सकता. ये प्रोविजन इसलिए दिया गया है कि आप सपोज कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल फार्म रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेके जाके कोई भी प्लेसेस पर मेडिकल टर्मिनेशन करवा दे, तो दैट इज वेरी इलीगल. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया अप्रूव प्लेसेस, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि कहाँ पे जाके आपको टर्मिनेट करवानी है प्रेगनेंसी को. सो गवर्नमेंट विल अप्रूव, या तो फिर गवर्नमेंट खुद बोलेगी, या तो फिर गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाएगी. क्या बनाएगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएगी. ये कमेटी जो होगी उसमें नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर, मतलब 3 से 5 मेंबर के बीच में मेंबर्स होने चाहिए. बिटवीन 3 to 5 मेंबर्स मेंबर्स होने चाहिए. एंड उस मेंबर्स में इंक्लूडिंग चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर. सो ये 3 to 5 मेंबर्स में चीफ मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होना चाहिए, ये बात याद रखो. दिस इज कंपोजिशन. कंपोजिशन को याद रखो, पूछा जा सकता है. ठीक है, पूछने के चांसेस है. सो अप्रूव प्लेसेस में गवर्नमेंट खुद अप्रूव करेगी प्लेसेस को, या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी. ये जो कमेटी है वो आफ्टर आफ्टर मेकिंग दिस कमेटी, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा उसमें एक और मतलब या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर हो या तो फिर डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर हो, ये दोनों में से एक होगा. एंड 3 से 5 मेंबर की ये कमेटी होगी. ये कमेटी प्लेसेस को अप्रूव करेगी एंड उस प्लेसेस पे जाके ही मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है. सो ये हो गया प्लेसेस का पॉइंट. डन. इंपॉर्टेंट है प्लेसेस का पॉइंट, आपको याद रखना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. कब ये जो टर्मिनेशन होता है उसके दो एक्सेप्शंस है. पहली तो चीज, कंसेंट होना जरूरी है. कंसेंट यानी कि आप कंसेंट दे रहे हो मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए ये चीज को. बिना कंसेंट के आपका टर्मिनेशन नहीं हो सकता. यू हैव टू गिव कंसेंट. जो वुमेन है उसको कंसेंट देना पड़ता है कि येस आई एम रेडी, आई विल गो थ्रू द प्रोसीजर. इन एनी केस इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल नॉट बी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी थिंग इफ गोज रॉन्ग. मतलब कुछ भी चीज गलत हो जाती है, वो टाइप का कंसेंट जो भी लेते हैं डॉक्टर्स, वो कंसेंट देना पड़ता है. मेडिकल टर्मिनेशन का कंसेंट देना पड़ता है, तभी टर्मिनेशन होगा, वरना इट इज नॉट पॉसिबल. नो कंसेंट, नो टर्मिनेशन. बट ये दो केस में एक्सेप्शन है. दो केस में जो है कंसेंट लेना जरूरी नहीं है वो वुमेन से. इन व्हाट टू केसेस? लेस देन 18 इयर्स है, मतलब माइनर कंडीशन में वो वुमेन माइनर है, तब आप वो वुमेन का कंसेंट नहीं लेते. ठीक है, उस वुमेन का कंसेंट नहीं लेंगे. एंड इफ दैट पर्टिकुलर वुमेन इज मेंटली रिटार्डेड, यानी कि लुनेटिक वुमेन है, तो उसके गार्डियन जो है वो रिटर्न कंसेंट देंगे, तो ही मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा. याद रखना, दो एक्सेप्शंस है. इन दो एक्सेप्शन पे कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और अदरवाइज कंसेंट जरूरी है टर्मिनेशन के लिए. कौन से दो केसेस है जहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती? पहली चीज, अगर वो गर्ल जो है या वुमेन जो है वो माइनर है. माइनर का मतलब जो होता है वो 18 ईयर्स के लेस की एज है, तो वो माइनर हो गई. एंड सेकेंड केस है मेंटली रिटार्डेड, यानी कि लुनेटिक वुमेन है. लुनेटिक वुमेन के केस में, एंड बोथ बोथ द केसेस, लेस देन 18 ईयर्स एंड लुनेटिक वुमेन के केस में, गार्डियन जो होगा, जो गार्डियन जो पर्सन होता है, गार्डियन का डेफिनेशन देखा हमने, वो गार्डियन जो है वो रिटर्न कंसेंट देगा, तभी जाके प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट होगी. गॉट इट. एंड ये दोनों केस में, ठीक है, गार्डियन वाला चीज जो है दोनों केस में. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग. जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या ट्रेनिंग होना चाहिए टू बी एलिजिबल टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी. ठीक है, ये जो सोर्स है, जो मैंने ये इमेज अटैच किया, ये जीडीसी मॉड्यूल से, जो स्पेशल एडिशन मॉड्यूल से जो प्राइम के बच्चे यूज करते हैं वही मॉड्यूल से ये उठाया है मैंने. सो फर्स्ट इज एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग देखते हैं. मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. एंड उसके बाद पास नॉट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स. ऑब्स्टेट्रिक्स में या गायनोकोलॉजी में 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बी, नेक्स्ट कंडीशन इज मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट.
कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ हाउस सर्जरी इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब कि 6 मंथ का जो है हाउस सर्जरी में उसका एक्सपीरियंस है. ऑफ एक्सपी या शी और ही हैड एन एक्सपीरियंस एट एनी हॉस्पिटल फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर इन प्रैक्टिस ऑफ गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस है कोई भी हॉस्पिटल में नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. या तो फिर ही हैज बीन असिस्टिंग अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन परफॉर्मेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन 25 केसेस. इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 25 केसेस याद रखो, इंपॉर्टेंट है. सो ही हैज बीन असिस्टिंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को असिस्ट कर रहा था प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के केसेस में. कितने केसेस टोटल? 25 केसेस में उसने किया, तो वो ऑलरेडी ही इज एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सी कंडीशन क्या कहती है? या तो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या डिप्लोमा है प्रेगनेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या डिप्लोमा है इन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, और गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में. सो ये सारी कंडीशन या एक्सपीरियंस नीडेड है टू फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू गिव बी एलिजिबल फॉर परफॉर्मिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. याद रखो, यस यू हैव टू रिमेम्बर इट, एक्सपीरियंस आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज प्रोसेस. प्रोसेस किस तरह से होती है? ये अगेन मैंने जीडीसी मॉड्यूल से उठाया. कंसेंट देती है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी टुगेदर विद द सर्टिफाइड ओपिनियन शैल बी प्लेस्ड इन एन एनवलप. जो सर्टिफाइड ओपिनियन है यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन है, जितना हमने देखा कि बेस्ड ऑन कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, हमने देखे डिफरेंट क्राइटेरिया. सो जो कंसेंट है वो प्रेग्नेंट वुमेन पहले कंसेंट देंगी, उसके साथ अटैच करना है जो ओपिनियन दिया गया है डॉक्टर्स का वो अटैच करना है एंड उसको एनवेलप में डालना है. देन उस एनवेलप को सील किया जाता है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय होम सच प्रेगनेंसी वॉज टर्मिनेटेड, ठीक है. वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो टर्मिनेट करने वाला प्रेगनेंसी या टर्मिनेट हो चुकी है, वो उसको सील करता है सील करता है उस एनवेलप को. वो एनवेलप को भेजा जाता है हेड ऑफ द हॉस्पिटल या ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेस और द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. जीपैट 2019 का ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है. देखो इसलिए जो प्रोसीजर है वो इम्पोर्टेंट है. सो एनवेलप को कहाँ भेजा जाता है? एक तो हेड ऑफ द हॉस्पिटल या जहाँ पे वो प्रेगनेंसी हुई है, एक तो हॉस्पिटल में हुई होगी तो उसके हेड को भेजा जाएगा, या तो कोई अप्रूव प्लेसेस की गई हो, अप्रूव प्लेसेस बोली गई होगी उस टर्मिनेशन के लिए, उसके ओनर को भेजा जाएगा, या फिर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उस स्टेट का उसको भेजा जाएगा, ठीक है. ये 3 कंडीशन याद रखना है. देन उसके बाद एनवेलप जो है उसको सेफ कस्टडी में रखना है. किसमें? सेफ कस्टडी में, क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है. ऑफ द कंसर्न आरएमपी एंड मार्क्ड एज अ सीक्रेट. सीक्रेट करके मार्क करना है इसको, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर होता है एंड प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो एनवेलप को एक सेफ कस्टडी में रखा जाता है उस कंसर्न रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, और उसको लेबल किया जाता है एज अ सीक्रेट. सीरियल नंबर असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन कितने प्रेगनेंसी उसने टर्मिनेट किया, उस हिसाब से सीरियल नंबर असाइन होगा टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द नेम ऑफ द आरएमपी बाय हुम द प्रेगनेंसी वॉज टर्मिनेटेड. सीरियल नंबर भी होगा एंड बाद में किसने इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया उसका भी नाम आगे आ जाएगा, उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम आगे आ जाएगा. दिस इज सेंट इमीडिएटली टू द हेड ऑफ हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेसेस वेयर द प्रेगनेंसी वॉज टर्मिनेटेड. और ये चीज इमीडिएटली सेंड की जाती है किसको? हेड ऑफ द हॉस्पिटल को या ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेसेस को जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया. हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेसेस शैल अरेंज टू कीप द सेम इन सेफ कस्टडी. सो जो हेड ऑफ द हॉस्पिटल है अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेसेस की, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको सेफ कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि अगेन ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है. तो ये प्रोसेस आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी. पहले कंसेंट लेना प्रेग्नेंट वुमेन का अलॉन्ग विद द आरएमपी का ओपिनियन, देन इसको एनवेलप में रखना. कौन एनवेलप में सील करेगा? आरएमपी, जिसने इसकी टर्मिनेशन करवाई होगी उस वुमेन की प्रेगनेंसी का. देन उस एनवेलप को भेजा जाता है हेड ऑफ द हॉस्पिटल या ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेस या सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. देन उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट करके लेबल किया जाता है, सीरियल नंबर असाइन किया जाता है, किसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाया उसका नाम लिखा जाता है आगे, एंड देन ये इमीडिएटली सेट किया जाता है किसको? ओनर ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेसेस या हेड ऑफ द हॉस्पिटल को. एंड देन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ कस्टडी में आपसे रखें. गॉट इट? ये होती है प्रोसेस. नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन के बारे में. इंस्पेक्शन कौन करता है? कोई ना कोई इसको इंस्पेक्शन भी करता होगा इस पर्टिकुलर चीज को. सो द चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का वो इंस्पेक्ट करता है. उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी कर सकता है. क्या कर सकता है? सीज कर सकता है कोई भी आर्टिकल अगर ही और शी फील्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर फील्स की ऐसी कोई डेथ या इंजुरी हुई है वुमेन को उस पर्टिकुलर आर्टिकल से.
वो चीज को सीज कर सकता है, ये पावर होती है सीएमओ के पास। एंड देन ही विल चेक वेदर दी प्लेस जो कि अप्रूव की गई है वो सेफ है और सेफ है कि नहीं, या अनहाइजेनिक कंडीशन में रखी गई है कि नहीं, ये सारी चीजें भी वो पर्टिकुलर चीफ मेडिकल ऑफिसर इंस्पेक्ट करेगा। सो ये दो चीज इंस्पेक्ट करेगा एंड देन कोई भी आर्टिकल सीज करने की पावर रखता है। कौन करेगा ये पूछा जा सकता है, दैट इज चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इसके पास इंस्पेक्शन की पावर होती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है एडमिशन रजिस्टर, मतलब जहाँ पे वुमेन एडमिट होती है तो उसके लिए फॉर टर्मिनेशन के लिए तो उसका एडमिशन रजिस्टर होता है। सो ये कौन मेंटेन करता है, हमको पता है इट इज ओनर, किसका, अप्रूव्ड प्लेसेस का ओनर या और हेड ऑफ द हॉस्पिटल, हेड ऑफ द हॉस्पिटल या ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेसेस, ये मेंटेन करते हैं ये एडमिशन रजिस्टर को। इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट माना जाता है जैसे हमको पता है, एंड नो इंस्पेक्शन इज अलाउड, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है इसलिए इसका इंस्पेक्शन नहीं अलाउ किया गया है, एक्सेप्ट ये जो तीन पर्सन है या ये जो तीन बॉडी है सिर्फ यही इंस्पेक्ट कर सकती है, इनके अलावा कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को टच नहीं कर सकता। फर्स्ट इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेकेंड इज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज। याद रखना इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट है। सो कौन जो है जो इंस्पेक्शन कर सकता है, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, याद रखो बार बार इस पे मैं एम्फोसाइज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। सो इंस्पेक्शन अलाउ नहीं है क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, तीन बॉडीज कर सकती है। चीफ सेक्रेटरी है उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है वो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो, या डिस्ट्रिक्ट जज होगा तो दे कैन इंस्पेक्टेड। गॉट इट, दिस वॉज अबाउट एडमिशन रजिस्टर। नेक्स्ट इज ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पहली तो चीज इसमें बोली गई ऑफेंस नंबर वन, टर्मिनेशन अगर हो रहा है अदर देन रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि पहले के जमाने में सन मेटा प्रेफरेंस होने की वजह से कि लड़का चाहिए ये चीज की वजह से, जो नॉर्मल हाउस होल्ड में ना अबॉर्शन इसी तरह से हुआ करते थे, प्रेगनेंसी को इसी तरह से अबॉर्ट किया जाता था बाय चेकिंग कि गर्ल है कि गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है, उस हिसाब से। सो इसीलिए जब टर्मिनेशन अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है या तो फिर अदर प्लेसेस पे होती है, जो प्लेसेस अप्रूव नहीं की गई है उस प्लेसेस पे हो रही है, तो पेनाल्टी जो होगी वो जो पेनाल्टी होती है इम्प्रिजनमेंट होता है, डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उस पर्सन को जेल भेजा जाएगा फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स। गॉट इट, ठीक है। सो इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से कम की जेल नहीं होगी, 2 साल तक तो जेल पक्का होगी उस इंसान को, या तो फिर वो जेल जेल का टर्म जो है वो 7 ईयर्स तक जाता है, या तो फिर विलफुल कॉन्ट्रावेंशन किया गया, मतलब खुद से जानबूझ के हमने उस पर्टिकुलर लॉ को, कौन सा लॉ है हमारे ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के ये जो लॉज होते हैं उसको विलफुली, मतलब खुद के मर्जी से हमने उसको फॉलो नहीं किया है, या फेलियर टू कंप्लाई विद द रूल्स, देन इसका होगा फाइन, एंड इसका होता है फाइन अप टू ₹1000 तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। सो यही दो ऑफेंस एंड पेनल्टीज है इस पर्टिकुलर एक्ट में। सो हम फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैंने मेजर अमेंडमेंट्स भी डाल दिए हैं। पहले तो हमने देखा ये न्यूज अपडेट, देन हमने देखा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, फर्स्ट प्रोविजन कब आया, पहला एक्ट रूल उसका रेगुलेशन लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा था, फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉर्मली ये एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, डेफिनेशन देखे गार्डियन का, लुनाटिक का, देन उसके बाद अप्रूव प्लेसेस के बारे में, हमने अबॉर्शन के बारे में देखा, हमने अबॉर्शन के बारे में देखा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये डिफाइन नहीं करता अबॉर्शन क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि अबॉर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट देखा, यूजेनिक एस्पेक्ट देखा और हेल्थ एस्पेक्ट देखा, देन उसके बाद हमने प्रोविजन देखे कि एज पर लेटेस्ट प्रोविजन क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और एमटीपी एक्ट 1971 के अंडर कब कब अबॉर्शन किया जा सकता था, अंडर व्हाट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये चीज देखा। देन हमने देखा कि एज पर लेटेस्ट एक्ट ऑफ 2021 क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई है, क्या क्या चीजें प्रोविजन में आई एड की गई है न्यूली एज पर द इवोल्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड, देन उसके बाद हमने प्लेसेस देखे कौन से प्लेसेस पे टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी, देन हमने देखा प्रोहिबिशन क्या प्रोहिबिशन है, विदाउट कंसेंट नो टर्मिनेशन, बट तीन दो एक्सेप्शन देखे थे, दो एक्सेप्शन इस केस में देखे थे कि कब अलाउड की जा सकती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
देन हमने एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को चाहिए रहेगी वाइल परफॉर्मिंग दिस, ये भी हमने चीज देखा। देन हमने देखा क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता है, सेफ कस्टडी में रखा जाता है। देन हमने देखा कि इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है तो इंस्पेक्शन करता कौन है, देन उसके पास क्या पावर होती है। फिर हमने देखा एडमिशन रजिस्टर किस तरह से मेंटेन किया जाता है, इस एडमिशन रजिस्टर का इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, तीन बॉडीज को एक्सेप्शन दिया गया है, बाकी कोई रजिस्टर ये रजिस्ट्रेशन को चेक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ बीइंग अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। फिर हमने देखा ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज जो कि लास्ट पार्ट था इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इसके अलावा आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो आपको एमसीक्यू वीडियो मिलेगी इस चैप्टर पे, सो आई होप आप वो वीडियो जाके देखेंगे, पहले ये कंप्लीट कीजिए वो वीडियो जाके देखिए एंड आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर डन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट अंटिल नाउ, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू जीडीसी चैनल।